वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम त्रिकोणमिति का टॉपिक पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति के टॉपिक में हमने सूत्रों के बारे में पढ़ा। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो यहाँ पर सामने कितना मानेंगे, यहाँ पर बताओ इधर कितना मानेंगे, जीरो, फिर क्या मानेंगे, एक, फिर कितना मानेंगे, दो, फिर कितना, तीन, फिर कितना, चार। सब में भाग किसका देंगे, चार का भाग देंगे, ठीक है। फिर चार का भाग दे दिया, कोई भी संख्या कट रही है क्या, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, कोई भी संख्या इसके अंदर कट रही है क्या, ये कट रही है, दो एकम दो और दो दुनी चार, ठीक है। देखो जीरो में आप चार का भाग देंगे, अब रूट लगा देंगे सबके ऊपर, क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट, क्लियर है। चार में चार का भाग देंगे कितना आएगा, और एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है, बात आगे समझ में। अंडर रूट तीन की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए अंडर रूट तीन ही आएगा, और अंडर रूट चार का वर्गमूल कितना होता है, बात आगे समझ में। अंडर रूट एक की वैल्यू एक होती है और दो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा तो अंडर रूट दो, ठीक है। अंडर रूट एक की वैल्यू एक और अंडर रूट चार की वैल्यू कितनी होती है, दो। जीरो में चार का भाग देंगे कितना आएगा, और अंडर रूट जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये देखो आप सबसे पहले कि अंडर रूट चार का वर्गमूल कितना, चार में चार का भाग देंगे एक बटा एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अभी बताओ इसको लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो का वर्गमूल, जीरो और अंडर रूट चार का वर्गमूल कितना होता है, दो होता है, लेकिन क्या करेंगे, जीरो के बटे में क्या मान सकते हैं आप बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए जीरो ही रख लो आप, कोई बात नहीं। अब ये देखो आप कि साइन थीटा है और साइन थीटा उल्टा किसका था, ये बताओ आप, कोसेक थीटा का उल्टा था, तो देखो एक बटा दो का उल्टा कर दो आप, दो बटा एक आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ, और दो में एक का भाग देंगे तो कितना आता है, दो ही आता है ना, बात आ रही समझ में। आपको ये पता है कि साइन तीस की वैल्यू एक बटा दो है, तो साइन सॉरी कोसेक तीस की वैल्यू क्या होगी, दो बटा एक, क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। उसके बाद क्या है, देखो साइन पैंतालीस की वैल्यू है एक बटा अंडर रूट दो, तो कोसेक पैंतालीस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट दो बटा एक, ऐसे लिखनी है। हालांकि हम बटा एक को लिखेंगे नहीं, नीचे अगर एक आता तो लिखते नहीं है उसको, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। साइन साठ की वैल्यू है अंडर रूट तीन बटा दो, तो कोसेक साठ की वैल्यू हो जाएगी दो बटा अंडर रूट तीन, बात आ गई समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, साइन नब्बे की वैल्यू कितनी होती है, एक है, तो कोसेक नब्बे की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है, तो आप चाहे इसको एक बटा एक लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब देखें आप साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो ही है, और जीरो का उल्टा क्या होता है बताओ, अनंत होता है कि नहीं होता है बताओ आप, कैसे होता है, जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो मान लो, और अंडर रूट चार की वैल्यू कितनी है, दो, तो देखो जीरो में दो का भाग देंगे तो जीरो ही आ रहा है यहाँ पर, लेकिन जब दो का, जब जीरो बटा दो को दो बटा जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, कैसे आएगा अनंत, दो में जीरो का भाग दे दो, देते जाओ, जीरो एकम जीरो, दो बचा, फिर जीरो एकम जीरो, फिर दो आ गया, फिर जीरो एकम जीरो, फिर आ गए दो, ऐसे आता जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं एक अनंत, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो आप ये लिख सकते हो, जीरो बटा दो का क्या लिख सकते हैं, दो बटा जीरो लिख सकते हैं, और नीचे अगर जीरो है तो उसका मान अनंत बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, अनंत लिखूँगा, आप समझ जाना, ठीक है। जगह की कमी है क्योंकि जगह छोटी जगह अपने पास। अब क्या करेंगे आगे देखो, अब ये देखो ध्यान से कि जो ये कोस है इसकी वैल्यू यहाँ से इधर से आ जाएगी, देखो कैसे आ जाएगी, एक बटा एक को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक बटा एक है ना, फिर रूट तीन बटा दो, ऐसे पीछे से लिखते जाएंगे, एक बटा अंडर रूट दो, ठीक है, एक बटा दो और जीरो बटा दो, मेरी बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ,
हैं। अब देखना आप यहाँ पर कोस किसका उल्टा होता है बताओ, सेक का। तो एक बटा एक का उल्टा एक रहेगा, अंडर तीन बटा दो का उल्टा दो बटा रूट तीन रहेगा, और एक बटा रूट दो का उल्टा क्या रहेगा, रूट दो बटा एक रहेगा। एक बटा दो का उल्टा दो बटा एक रहेगा, और जीरो बटा दो का उल्टा क्या रहेगा, दो बटा जीरो। इसका मतलब क्या जाएगा, अनंत आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे बताओ, ठीक है ना। अब आगे देखना है आपको टेन थीटा का। कल मैंने आपको एक स्पेशल सूत्र बताया था, टेन थीटा बराबर क्या होता है देखो, साइन थीटा बटा में क्या होता है, कोस थीटा होता है, यही होता है ना। ध्यान सुनना, टेन थीटा का सूत्र क्या होगा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा में, बटा का भाग दे रहा हूँ, देख रहा हूँ भाग दे रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपको इसको। ये साइन थीटा बटा कोस थीटा है ना, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, हर मान के लिए साइन बटा कोस कर सकते हैं। ये ऊपर अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है और ये हर है, ये अंश है, ये हर है, अंश और हर। देखो नीचे जीरो ऊपर है, जीरो बटा दो और एक बटा एक, दो बटा एक, दो एकम दो, और ये क्या है, जीरो बटा दो का मतलब क्या है समझ रहे हैं, जीरो, और जीरो में एक का भाग देंगे कितना आएगा, जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा, बात आ रही कि नहीं समझ में। तो टेन जीरो का मान कितना है, जीरो है ना। देखो दो से दो कट गया, ऊपर एक बचा, नीचे कितना बचा, रूट दो से रूट, सेम संख्या ऊपर सेम संख्या नीचे, भाग कितनी बढ़ जाएगा, दो से दो कट गया, रूट तीन बचा, और नीचे अगर एक हो तो उसको हम लिखते नहीं है कभी भी, लिखना चाहो तो लिख भी दो, लिख दो चलो मर्जी है, अपन लिखना चाहे नहीं लिखना चाहे, ऊपर रूट तीन बज रहा है ना, अगर नीचे एक आ जाए उसको लिखते नहीं पर लिख दो आप, ठीक है। देखो एक बटा एक भाग देंगे एक का, एक आएगा इसमें तो इसका कितना आएगा, जीरो, और एक में जीरो को भाग देंगे क्या आएगा, अनंत आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ आप, हाँ या ना भाई। एक में एक का भाग देंगे एक आ रहा है, और जीरो में दो का भाग देना जीरो आ रहा है, और किसी में एक में किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो अनंत आता है। बैठ के समझ में नहीं बैठी। अब क्या करेंगे, टेन किसका उल्टा होता है, जीरो का उल्टा एक होता है ना, एक बटा रूट तीन का उल्टा क्या होगा, रूट तीन बटा एक, लिखो चाहे मत लिखो बटा में एक ऊपर लिख लो, एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है, रूट तीन बटा एक का उल्टा एक बटा रूट तीन, और अनंत का उल्टा क्या होता है बताओ, एक होता है या जीरो होता है अनंत का उल्टा बताओ, जीरो का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। ध्यान रखना है ये जीरो बटा एक है, ये जीरो में एक का भाग दे तो जीरो ही आ रहा है ना, और एक बटा जीरो क्या होता है, अनंत होता है ना, ये गलती से लिख दिया था ना, अनंत है। अब अनंत का उल्टा क्या होता है बताओ, जीरो होता है, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर समझ रहे हैं समझ रहे हैं, जीरो में एक का भाग देंगे जीरो, तो इधर से भी लिख सकते हैं ऐसे 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 आता जाएगा, जीरो में एक का भाग देंगे जीरो या जीरो बटा एक ही लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहाँ पर बटा में नीचे जीरो है उसका मतलब अनंत है, बात आ गई समझ में। यहाँ अनंत कैसे आएगा ये आपको पता होना चाहिए, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है ना। ये सारणी आप सभी को समझ में आ गई हैं। अब देखना है आपको ये जो सारणी मैंने आपको बनाई है, ठीक है, इसको आप अलग तरीके से कैसे याद करेंगे, ठीक है। हमें ये मतलब चुटकियों में और उंगलियों में याद होनी चाहिए, ठीक है। उंगलियों पर याद करते हैं ना, तो वो कैसे करेंगे देखो, वो कैसे याद करेंगे ध्यान दो। मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया, जिसके बारे में हम कल तक पढ़ चुके हैं, आपको भी ऐसे लेना है। जैसे क्वेश्चन ये आया कि साइन 45 डिग्री का मान कैलकुलेट करके बताओ, गणना करो इसकी, आप कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखना, ठीक है। त्रिभुज का नाम मान लिया ए बी और सी, आप लाल बट्टा कक्का जानते हो नहीं जानते हैं बताओ, जानते हैं ना, लाल बट्टा कक्का को हमेशा याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दो, ये आपको पता है ना कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। ये कितने डिग्री है, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है।
ये कितने डिग्री है बताओ, और ये कितने डिग्री है, 45 डिग्री। आप मुझे ये बताएं कि ये जो है यहाँ पर ये क्या होता है, कर्ण होता है, सबको पता है ना कर्ण होता है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर ये 45 डिग्री माना है मैंने, मान लो, तो ये भी मैं 45 डिग्री यहाँ पर मान सकता हूँ। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर है। वही कौन कौन सी, ए बी बराबर बी सी, देखो ए बी बराबर बी सी, क्लियर है ना। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा कौन सी है, ए। बात आ गई समझ में यहाँ तक। अब देखो त्रिभुज किस में, ए बी सी में, किस में, किससे, पाइथागोरस पर में या फिर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है नहीं पता आपको अभी तक, छोड़ो। आधार कितना है फिलहाल, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर। लंब कितना है, ए स्क्वायर। बात आ गई समझ में, एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, एक आम मान लो, इसको भी आम मान लो, एक आम और एक आम कितने हो गए, दो आम, और आम का आम किसको मान रखा है, ए स्क्वायर को, तो कर्ण स्क्वायर क्या आ गया, बराबर दो ए स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात, कर्ण स्क्वायर बराबर, स्क्वायर जब हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, दो ए स्क्वायर, समझ में आ गया। अब देखो रूट जो दो है इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, रूट दो ही रहेगा। बात आ गई समझ में, और आगे देखो ए स्क्वायर के ऊपर रूट है तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई है बताओ। तो कर्ण कितना आ गया, ए अंडर रूट दो। बात आ गई समझ में, नहीं आई, हाँ या ना, आ गई ना। अब हम ध्यान देंगे कि जो साइन 45 यहाँ पर रखेंगे, साइन 45, और साइन 45 में देखना है आपको, साइन 45 याद रखते जाओ, फिर कॉस 45, फिर उसके बाद क्या है, टैन 45, फिर कॉट 45, फिर सेक 45, उसके बाद कोसेक 45। साइन 45 में लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता बताओ, आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं होता, और टैन 45 में लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता है, कोट 45 में क्या होगा बताओ, आधार बटा लंब, सेक 45 में कर्ण बटा आधार, और कोसेक 45 में क्या होगा, कर्ण बटा लंब। साइन 45 में लंब कितना है इसमें देखो, ए है, और ये देखो आप इसमें यहाँ पर, यहाँ पर देखो कर्ण कितना है, ए रूट दो, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहीं पर मान रहा हूँ इस 45 डिग्री के एंगल को, इधर ही, क्लियर है ना। ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, हमको पता है ना इस बात का, इसलिए मैंने दोनों बराबर मानी है। ए में ए का भाग देगे दोगे तो कहाँ पर एक आएगा बताओ, तो साइन 45 का मान एक बटा रूट दो होता है कि नहीं होता है। आधार कितना है बताओ, ए, और कर्ण कितना है, ए रूट दो। ए में ए का भाग देंगे एक आएगा तो एक बटा रूट दो आ गया। समझ में आ गया नहीं आया, कैसे आया ये, समझ में आ गया ना। लंब कितना है ए, और आधार कितना है ए। ए में ए का भाग देंगे एक आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आधार ए, लंब ए, ए में ए का भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, सेक 45 में देखो कर्ण कितना है, ए रूट दो, और आधार कितना है ए। ए में ए का भाग देंगे, छोड़ो, रूट दो आ गया, सेक 45 के मान रूट दो। कर्ण कितना है, ए रूट, और लंब कितना है, ए में भाग दो रूट दो आ जाएगा। याद रखना है कि साइन 45 एक बटा रूट दो, कोस 45 एक बटा रूट दो, टेन 45 एक, कोट 45 एक, सेक 45 क्या है,
और कोसेक 45 भी कितना है? आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। साइन 45 और कोट 45 का मान एक बटा रूट दो, टेन 45 और कोट 45 का मान एक एक, और सेक 45 और कोसेक 45 का मान अंडर रूट दो। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी, नोट कर लो इसको आप। अभी तक हमने पढ़ा कोण 45 के बारे में, जितने भी कोण 45 थे उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे अब कोण 30 और कोण 60। कोण 30 और कोण वो कैसे पढ़ेंगे ये देखते हैं, ठीक है? देखो 30 डिग्री एमएम 60 डिग्री के लिए ये कंडीशन सेकंड है, ठीक है? कंडीशन सेकंड। अब यहाँ आप देखो इसमें ये संभाव जब त्रिभुज है तो इसमें मैंने इसको 60 डिग्री को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने कितने डिग्री में? 30 डिग्री में, और ये भी 30 डिग्री में, तब भी तो 60 ही हो गए। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये नाम मान लिया ए, ये बी और ये सी। जब इसको मैंने भाग में डिवाइड किया तो इसको मैंने मान लिया क्या? डी मान लिया। क्या मान लिया? डी मान लिया, ठीक है ना? अब मुझे आप ये बताएं सबसे पहले, इसमें जो ये भुजा है ये वाली, ये क्या है आपकी? ये आप दो ए, दो ए मान लो। दो ए क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि पता है ना आपको ये पूरी दो ए है, ये पूरी क्या है? दो ए। तो ये क्या है? ए ए में डिवाइड हो जाएगी, ए ऐसे और ए ऐसे। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये बच गई अब ये वाली, ये कितने डिग्री है बताओ? 90 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 90 और 30 120, और 60 कितने हो गए? 180 हो गए ना। हम लेंगे त्रिभुज कौन सा? ए बी डी में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें ये पता है कि फिक्स है कि ये कर्ण तो माना ही जाएगा ये वाला। तो कर्ण कितना है बताओ इसमें? 2a इसका स्क्वायर। आधार कितना है? a का स्क्वायर। और लंब आपको पता है कि ये वाला लंब नहीं पता, ठीक है ना? ये कितना है? 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं जाएगा? a स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और लंब स्क्वायर बच जाएगा। ये चार आम हैं, ये एक आम है, चार में से एक आम गए, तीन आम बच गए ना, लंब स्क्वायर। कितनी बात समझ में आ गई? लंब निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लग जाएगा यहाँ पर। अब बताओ लंब कैसे समझ में आएगा आपको? लंब कितना जाएगा? खाली रूट तीन आ जाएगा, और ए का स्क्वायर इससे रूट कट जाएगा तो क्या जाएगा? ए रूट तीन आ गया कि नहीं आ गया ये बता दो आप। अरे लंब कितना आ गया यहाँ से? ये ए अंडर रूट तीन आ गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस कुछ नहीं है। और साइन कितना बताओ? कितना लिया है आपने? 30 लिया है, 60 डिग्री लिया है। देखो आप पहले 60 लिया है, साइन 60 डिग्री, फिर क्या है? कोस 60 डिग्री, फिर क्या है? टेन 60 डिग्री, फिर क्या है? कोट 60 डिग्री, फिर क्या है? सेक 60 डिग्री, फिर क्या है? कोसेक 60 डिग्री। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक? साइन 60 में लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना है? ए रूट तीन ही है ना, और कर्ण कितना है? कर्ण कितना है बताओ? दो ए ना, ऐसे ए काट दिया, क्या बच गया? अंडर रूट तीन बटा दो। बताओ साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट तीन बटा दो होती है कि नहीं होती है? होती है ना। कोस 60 में देखो क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार कितना है और कर्ण कितना है? ए में ए का भाग दो कितना आएगा? एक, और नीचे क्या बचा है? दो। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 60 में देखो लंब बट्टा आधार होता है, लंब कितना है? ए रूट तीन, और आधार कितना है? ए में ए का भाग देंगे एक, और एक को रूट तीन से गुणा करेंगे रूट तीन। समझ में आ गए कि नहीं आ गए बताओ? कोट 60 का देखो, कोट 60 में देखो क्या होता है? कोट 60 का मान आधार बटा कर्ण, तो इसका मतलब आधार कितना है? ए, और कर्ण कितना है बताओ?
भाई इसका क्या है, लंब बटा आधार, तो इसका आधार बटा लंब होगा ना, आधार कितना है ए और लंब कितना है ए रूट तीन, ए में एक का भाग देंगे कितना जाएगा एक बटा रूट तीन। सेक 60 में देखो क्या होता है, बताओ कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है दो ए, और आधार कितना है ए, कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, और कोसेक 60 का कैसे आएगा बताओ, कर्ण बट्टा क्या होगा लंब, कर्ण कितना है दो ए, लंब कितना है ए रूट तीन, काट दो क्या आ जाएगा दो अंडर रूट तीन। बताओ आपको ये बात साइन 60 के सॉरी साइन 60 से कोसेक 60 तक के मान समझ में आ गए या नहीं आए, तो ध्यान देंगे आप इसमें। यहाँ पर साइन 60 का मान देखो कितना है, रूट तीन बटा दो है कि नहीं बताओ, है ना। और साइन 60 किसका उल्टा होता है, कोसेक 60 का उल्टा होता है कि नहीं होता, तो इसका दो बटा रूट तीन आएगा कि नहीं आएगा। हम थोड़ा सा लॉजिक और ट्रिक और सीख रहे हैं इसमें लॉजिक के साथ। अब देखो कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान यहाँ से देखो एक बटा दो, तो सेक कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो कोस 60 किसका होगा, सेक 60 का उल्टा होगा दो बटा एक। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, दो में एक का भाग देंगे तो किसका, हाँ कोई नहीं सॉरी गलती होगी, अंडर तीन बटा दो है ना, दो बटा अंडर तीन ठीक है। अब टेन उसका देखो, टेन 60 का क्या है, टेन 60 का रूट तीन, और रूट तीन का उल्टा मतलब क्या होता है, एक बटा रूट तीन में एक का भाग दे सकते हैं, तो एक बटा रूट तीन आएगा इसका, पता लग गया ना कैसे आएगा ये, रूट तीन में एक का भाग देते हैं उल्टा जब करते हैं तो बटा में एक लगा लेते हैं ठीक है। तो साइन 60 से लेकर और कोसेक 60 तक के मान शायद आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है ना। अब हम देखेंगे एंगल 30 डिग्री के मान, किसके देखेंगे बताओ, 30 डिग्री के मान, बस कुछ नहीं है थोड़ा सा फर्क है। अब की बार जो ये लंब था ना, ये वाला लंब, ये लंब नहीं रहेगा क्योंकि हम इस कोण को नहीं ले रहे हैं, थीटा हमने इसको मान रखा है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये होगी, लंब अब ये है और आधार क्या है, अब ये भुजा है और कर्ण फिक्स दो ए ही रहेगा, क्लियर है कि नहीं ये मतलब बताओ। अब देखो साइन 30 में लंब बटा कर्ण रहता है, लंब क्या है, अब की बार लंब क्या है, ये वाला ए, बिल्कुल लंब ए, और कर्ण क्या है दो ए, तो ए में ए का भाग देंगे एक आएगा और बटा में क्या है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। साइन 30 का मान एक बटा दो ही डिग्री होता है, सॉरी एक बटा दो ही होता है। कोस 30 का क्या होगा देखो, कोस 30 में आधार बटा कर्ण, आधार क्या है अब की बार बताओ, यही है ना आधार, और कर्ण कितना है दो, ए में ए का भाग तो कट गया, क्या बचा अंडर रूट तीन बटा, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। टेन 30 में क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है ए, और आधार कितना है ए रूट, कट जाएगा क्या बचेगा एक बटा अंडर रूट तीन, आ गए समझ में। कोट 30 का क्या होता है बताओ, कोट 30 का आधार बटा, आधार कितना है बताओ जल्दी, आधार कितना है और लंब कितना है, अच्छा इधर ए रूट तीन। टेन का क्या है, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब रहेगा ना, आधार क्या है इसमें ए रूट तीन, और आधार कितना की बार ए, तुम गलत बता रहे हो अभी भी। अरे भाई ये क्या है यहाँ पर, आधार है ना ये, तो टेन का होता है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, अब आधार क्या है इसमें, यही है ना ए रूट तीन, और लंब कितना है ए, तो क्या जाएगा ये कोट 30 का मान रूट तीन आ गया ठीक है। सेक में देखो, सेक का क्या आएगा, कर्ण बटा आधार, कोस क्या होता है बताओ, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है बताओ दो ए, और आधार क्या है ए रूट तीन, इससे कट जाएगा क्या जाएगा कोस एक। 30 में देखो,
कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 2a और लंब कितना है, कट जाएगा क्या जाएगा 2। तो देखो यहाँ पर 30 डिग्री में साइन 30 का मान कितना है 2, कोस 30 का मान कितना है और टेन 30 का मान कितना है, कोट 30 का मान कितना है और सेक 30 का मान कितना है और कोसेक 30 का मान कितना है 2। इतनी बात समझ में आ गई, साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक 30 का मान खाली 2, क्योंकि उल्टा होता है ना। ये तीन याद हो जाने चाहिए आपको, ये तीन बस, ये तीन याद होंगे आपको। और जब कोस 30 का मान कितना है 3/2 तो सेक 30, क्योंकि कोस सेक का उल्टा होता है, हर मान में उल्टा होता है, तो सेक 30 का मान 2/√3। टेन 30 का मान 1/√3 तो कोट 30 का मान खाली 3/1, 3/1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखते हैं इसके अंदर, हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री ये पढ़ लिया, 45 डिग्री सबसे फर्स्ट में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ। हमने क्या क्या पढ़ा है, 45 डिग्री पढ़ लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब क्या पढ़ेंगे फोर्थ। फोर्थ में किसकी बात आती है बताओ, 0 डिग्री, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम 0 डिग्री की, 0 डिग्री के मान कैसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, आप ये बताओ मुझे ये त्रिभुज क्या है, पी क्यू और आर एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर आप ये देखें कि 0 डिग्री कब बनेगा, ये क्या है 0 डिग्री, मान लो ये कितना है बताओ, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और जब ये ऐसी, ये जो इसका कर्ण है, ये कर्ण है इसका, और ये क्या है इसका लंब है फिलहाल, और ये क्या है फिलहाल इसमें आधार। मेरी बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बताओ, समझ रहे हैं। जब ये कर्ण है ना, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा बताओ, यहाँ पर फिलहाल मान लो हम 45 डिग्री का एंगल मान सकते हैं वाला, तो ये जब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ आता जाएगा है ना, फिर यहाँ ये कोण कम होता जाएगा और यहाँ पर क्या होता जाएगा, जितना ये कोण इधर आएगा उतना ये कोण बढ़ता जाएगा, बात आ रही समझ में, जितना ये कोण इधर बढ़ेगा इधर नीचे की तरफ घटेगा, ऊपर की तरफ क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये कोण मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये जो है ना इसका, ये जो कोण है, ये जो लंब है, ये तो बिल्कुल आप बताओ तो ये कौन है इसका, ये वाला जो है, ये वाली भुजा कर्ण की जो भुजा है, ये ऐसा टाइम आएगा कि ये यहाँ आ जाएगी यहाँ पर बिल्कुल, तो इसका ख़त्म क्या हो गया बताओ, लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया इसका, ये जो लंब था ये क्या हो गया यहाँ पर, तब ये ऐसे करके ये लंब जो है इसको काटता ला रहा है, काटता ला रहा है, मिटता ला रहा है, लंब क्या हो गया बताओ इस कंडीशन में 0 हो गया, क्या हो गया 0। तो कर्ण भुजा जो ए है और आधार जो भुजा ए है, ठीक है, ये दोनों को मान सकते हैं ए, तो इसका मतलब कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण और जो आधार है उन दोनों की भुजा का मान कितना हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखते हैं सबसे पहले साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री, फिर क्या है कोस 0 डिग्री, फिर क्या है टेन 0 डिग्री, फिर क्या है इसके बाद कोट 0 डिग्री, फिर सेक 0 डिग्री, फिर कोसेक 0 डिग्री। आप बताओ साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब क्या है बताओ 0 और कर्ण क्या है ए, 0 में ए का भाग देंगे कितना आएगा बताओ 0 हो जाएगा, और कोस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है ए, और कर्ण क्या है बताओ, तो ए में एक का भाग देंगे कितना जाएगा, अब टेन का देखो लंब बटा आधार, लंब क्या है इसमें 0 और आधार क्या है ए, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ, जल्दी से बता दो 0 ही आएगा ना,
अब इसमें देखो कोट में इसका उल्टा होता है, जीरो का उल्टा क्या होता है बताओ, अनंत होता है कि नहीं होता? सेक का इसका क्या आ जाएगा, एक का उल्टा एक ही होगा, और कोसेक जीरो का मान कितना होगा बताओ, साइन जीरो का उल्टा क्या होता है बताओ, अनंत होता है। तो देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, साइन जीरो जो है उसका मान कितना है जीरो, ठीक है, कोस कोस का मान कितना है, कोस जीरो का मान एक, कितना है एक, और इसका मान कितना है टेन का मान जीरो, कोट का मान कितना है अनंत, और सेक का मान कितना है एक, और कोसेक का मान कितना है, कोसेक जीरो का मान अनंत। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, आ गई कैसे निकलता है मान, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, 90 डिग्री की बात किसकी करेंगे, ये फोर्थ है, ठीक है, नोट करना चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखो फिफ्थ, 90 डिग्री का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मान, सबसे पहले एक इसमें भी समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना दिया। आप इस समकोण त्रिभुज 90 डिग्री में जो होगा वो क्या होगा, यहाँ ध्यान देना है आपको। तो ये क्या है 90 डिग्री एक नहीं बताओ, ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। अब ये जो कोण है पहले मान लो कितना डिग्री है, ये 45 डिग्री एक नहीं बताओ, ये बताओ आप, है ना। ये 90 कब बनेगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि 90 इसको नीचे यूँ करता जाएगा अपन यूँ ऐसे, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, मतलब जो ये कोण था आपका, ये जो एंगल था जो लंब था, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये क्या है आपका आधार, ये क्या है आपकी बार लंब, और ये क्या है कर्ण। आपकी बार देखो कर्ण और जो लंब है ना वो क्या है, मतलब जो ये कर्ण था ये हटके यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ गया यहाँ गए यहाँ गए, एक साथ खड़ा हो गया। अब की बार कर्ण और लंब क्या हो गए, कर्ण बराबर क्या हो गया, अब की बार लंब, और इस कंडीशन में जो आधार था वो क्या हो गया, आधार क्या होगा बताओ, जीरो हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ आप, हो गया ना आधार जीरो, क्योंकि इसने यहाँ से लंब, अब की बार आधार को ख़त्म किया है, उस टाइम लंब को ख़त्म किया था इसने, उस टाइम ऐसे लंब को ख़त्म कर रहा था नीचे की साइड, अब की बार इसको ख़त्म कर रहा है। बात आ गई समझ में भाई, ये जो है ना ये कर्ण जो ये नीचे की तरफ आ रहा था लंब को ख़त्म कर रहा था, अब की बार ये ऊपर उठ रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, अब की बार ये आधार को ख़त्म कर रहा है, तो इस कंडीशन में आधार जीरो हो गया और कर्ण और लंब बराबर हो गए, तो कर्ण ए और लंब ए, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, क्लियर है। तो देखो साइन थीटा बराबर, और सॉरी साइन थीटा नहीं 90, थीटा का मान 90 डिग्री है ना, कोस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, और देखो कोसेक, कोसेक आएगा ना, कोट आएगा पहले ना, कोट 90 डिग्री, उसके बाद सेक 90 डिग्री, और उसके बाद कोसेक 90 डिग्री। देखो साइन 90 का लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है इसमें ए, और कर्ण क्या है इसमें ए, तो ए में ए का भाग देंगे, ए का जाएगा कि नहीं जाएगा साइन 90 का मान, कोस 90 में देखो क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार जीरो और कर्ण कितना है ए, जीरो में ए का भाग देंगे कितना आएगा जीरो, टेन 90 में देखो लंब बटा आधार, लंब क्या है ए और आधार क्या है, तो जीरो का भाग देंगे तो कितना आएगा अनंत। बात आई कि नहीं आई समझ में, एक कोट 90 में देखो टेन का उल्टा होता है, एक का उल्टा एक होता है, सेक 90 में देखो जीरो का उल्टा क्या होता है अनंत होता है, और कोसेक 90 में देखो, कोसेक 90 में किसका उल्टा होता है बताओ, ये जल्दी से बताओ भाई, साइन एक मिनट एक मिनट, ये टेन का उल्टा होगा, अनंत का उल्टा क्या होता है जीरो होता है, और कॉस किसका उल्टा, जीरो का उल्टा क्या होता है अनंत होता है, और एक का उल्टा क्या होगा एक होगा। बात आई गई होगी समझ में, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो इसका मान एक, इसका मान कितना जीरो, फिर क्या है अनंत, फिर क्या है उसके बाद जीरो, फिर क्या है अनंत, फिर कितना है एक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं साइन 90 के जो ये मान है
ये तो मैंने कंसेप्ट बताया आपको। अब ट्रिक्स कैसे याद रख सकते हैं, जैसे ये लाइन है, इसका उल्टा ऐसे करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना है, मतलब ये लाइन जो लिख रही है ना ऊपर वाली, देखो इधर से ऐसे आ रही है, ऐसे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना, जैसे ये लिखी हुई है ना, इसको वहाँ से लिख दो बस इस वाली में उल्टा ऐसे, आ रही बात समझ में? ये लाइन जो लिखी हुई है इसको अनंत से लिख दो, अनंत अंडर रूट तीन एक एक अंडर रूट तीन जीरो, ये लिखी जो ये इसको यहाँ से लिख दो अनंत दो अंडर रूट दो अंडर रूट तीन एक। बात समझ में आ गई? ठीक है, आज तक इतना ही। ये हमारा इस त्रिकोणमिति सारणी का कंसेप्ट पूरा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तभी आपको आ पाएगा। ठीक है, आज तक इतना ही, धन्यवाद।